Welcome again. Welcome again. ओके बच्चे, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है बेटा फ्यूल्स के बारे में, वो है फ्यूल्स के बारे में। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मानकर आप लेके चलेंगे, ठीक है। फ्यूल्स के बारे में है, कुछ के पास मतलब इवन डिप्लोमा में पढ़ा ही नहीं होगा, आई थिंक कईयों ने ये चीज पढ़ी भी नहीं होगी। तो जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है, उनके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा फ्यूल्स के बारे में पढ़ना। कि फ्यूल्स देखो बेटा, जब हमने इंजन बना लिए, हमने पहले क्या पढ़ा, इंजन के बारे में पढ़ा, इंजन की वर्किंग के बारे में पढ़ा। बात आ जाती है बेटा फ्यूल की, फ्यूल कौन सा डालना है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई साहब, पेट्रोल इंजन में डीजल डाल के देख लो, पता लग जाएगा आपको क्या हाल होता है। आपकी गाड़ी पेट्रोल वाली है, ठीक है, अब आप आराम से गाड़ी लेके खड़े हो गए है ना पेट्रोल पंप पे, क्या भाई फ्यूल डाल दे, उसने भी नहीं देखा, पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल डाल दिया या डीजल वाली गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया, भाई साहब आपके इंजन खराब करना चाहते हो क्या। इतना खतरनाक काम है ये, कितना खतरनाक है ये, बहुत ही गलत बात होती है। तो फ्यूल बड़ी चीज जबरदस्त है, वो अलग बात है कि जैसे गाड़ी में हम ध्यान कर लेते हैं कि गाड़ी पेट्रोल में तो पेट्रोल डालना है, लेकिन हमारा पेट ऐसा इंजन, इतना खतरनाक इंजन कि भाई यहाँ पे कुछ मर्जी डाली जा रही है, लोग वही पची जा रहा है, वही पच रहा है, वही सब कुछ आपको एनर्जी दे रहा है ना। पेट बड़ा तकड़ा इंजन है, खतरनाक इंजन है, यहाँ दारू भी चल रही है, बियर भी चल रही है, चिकन भी चल रहा है, ठीक है, मुर्गा अंडे भी चल रहे हैं, सब कुछ आ रहा है इसके अंदर, वो भी पच रहा है सब कुछ, रोटी भी पच रही है, सब्जी जो मर्जी खा रहे हैं सब पच रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे इंजन की ऐसी हालत नहीं है, क्योंकि इंजन हमने बनाया, इंसानों ने बनाया। इंसानों को फ्यूल के बारे में समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि भाई साहब फ्यूल जो है वो आपको वैल्यू अलग अलग देगा। पेट्रोल कुछ अलग वैल्यू देगा, कुछ अलग क्वालिटी होगी उसकी, डीजल की अलग होगी, ठीक है, अल्कोहल की अलग होगी, तो सीएनजी की अलग होगी, सबका अलग अलग है। इसके जो बेसिक आ जाता है वो आ जाता है कि हमारे पास फ्यूल्स तीन तरह के हैं, ठीक है। इसको प्लीज जैसे जैसे मैं लिखवाऊंगा वैसे वैसे आप साथ साथ लिखते रहे मेरे साथ साथ, ठीक है। उसके पार्ट जो है वो, उसकी क्लासिफिकेशन जो है वो सब कुछ इसी तरह से लिखते जाएं जैसे जैसे मैं आपको लिखवाता रहूंगा, ठीक है, जैसे जैसे मैं लिखवाता रहूं प्लीज उसको लिखते रहो, ठीक है। आगे चलते हैं, तीन तरह के फ्यूल हैं, तीन तरह के फ्यूल हैं, कौन से हैं, जिसमें हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैसेस आ जाता है। क्या आ जाता है, सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड और गैसियस, लिक्विड, ठीक है, स्पेलिंग वगैरह सही लिखूं मैं, गलत ना हो जाए, ठीक है, गैशियस, गैशियस, गैसेस, गैसेस आ जाते हैं। अब सॉलिड में बात करें, सिंपल सी हम एग्जांपल लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, कोल, कोयला जो है सबसे ज्यादा हम बर्न करते हैं, वुड बर्न करते हैं, बहुत सारे सॉलिड फ्यूल्स आ जाते हैं। इवन हमारे पास बात करें तो जो वेस्ट बचता है हमारे पास, जो खेती बाड़ी से फसलों से बचता है, उसको भी हम सॉलिड फ्यूल एज ए यूज कर लेते हैं। लिक्विड की बात करें तो हमारे पास पेट्रोल भी है, ठीक है, डीजल भी है, पेट्रोल को गैसोलीन भी बोल देते हैं बेटा, ठीक है, डीजल भी है, ये आ जाते हैं, ठीक है, तो लिक्विड आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल, छोटी छोटी एग्जाम्पल ले रहे हैं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। इसमें अगर बात करें तो हमारे पास सीएनजी गैसेस है, जैसे सीएनजी, ठीक है, कंप्रेस नेचुरल गैस है, कंप्रेस नेचुरल गैस है, ये गैसेस में की एग्जाम्पल में आ जाता है। अब मेन बात आ जाती है बेटा, जो केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं बेटा, देखो एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट है आपको, जो मैं लिखवाऊंगा उसको इससे नहीं सोचना इस बार, मैं पहले कहता हूं ना कि सोचो सोचो क्यों क्यों, कुछ चीजें होती है कि क्यों सोचने वाली होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है कि सर नहीं हम नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर एंटर करना इस टाइम इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको केमिस्ट्री को बारे में समझाने लग जाऊं, बात समझ रहे हो, केमिस्ट्री समझाना भी थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो हमारे पास अगर हम बात करें तो लिक्विड जो है ना, लिक्विड की बात करें तो इसमें हमारे पास अलग अलग आ जाते हाइड्रोकार्बन्स। अब ये हाइड्रोकार्बन्स क्या है, जब हाइड्रोजन और कार्बन मिक्सअप हो जाता है, तो इसको लिख लेंगे बेटा, ठीक है, इसको लिख लेंगे,
हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। तो जब हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन मिक्सअप होता है, हाइड्रोजन एंड कार्बन मिक्सअप होता है और वो एक फ्यूल बनाते हैं, जितने भी हमारे पास फ्यूल्स होते हैं ना बेटा, हाइड्रोकार्बन ही होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। हम केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं जिसमें हम एल्कीन, अल्कीन, अल्काइन, ये सुना हुआ है। अगर नहीं सुना हुआ तो बेटा आप बिल्कुल मत सोचना कि ये क्या है, ठीक है। अगर आपने केमिस्ट्री थोड़ी सी भी सीरियस तरीके से पढ़ी थी, थोड़ी बहुत पढ़ी थी, चाहे जितनी भी पढ़ी थी, तो आपने अगर थोड़ा सा सीरियस तरीके से पढ़ा था तो आपको पता होगा कि हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्केन्स होते हैं, एल्कीन्स होते हैं, एल्काइन्स होते हैं। ये क्यों करवा रहा हूं, ये करवा रहा हूं बेटा क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, एसएससी जेई में पूछा गया है इसके ऊपर क्वेश्चन, तो हमारी मजबूरी है इसको करवाना। लेकिन केमिस्ट्री अगर आप कहोगे सर केमिस्ट्री समझाओ तो इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसमें बेटा तीन तरह के हमारे पास आ जाएंगे, चार तरह के तरह सॉरी हमारे पास आ जाएंगे, चार तरह के आ जाएंगे। इसको चार तरह से किस तरह से हम अलग अलग लिखते हैं प्लीज इसको लिख लेना, ठीक है, प्लीज इसको लिख लेना, चार तरह के कौन कौन से हैं, ठीक है। और ये अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपके लिए स्पेशल हो जाएगा ये टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक बहुत कम ही पढ़ाया जाता है, बहुत कम पढ़ाया जाता है। मुझे, मैंने एक दिन देखा यार ये वाला एसएससी जेई में क्वेश्चन आ रखे हैं, तो मैंने, मुझे एक लगा तो कराने चाहिए। तो इसका पहला होता है बेटा पैराफिन्स, इसका पहला होता है पैराफिन्स, पैराफिन्स, पैराफिन्स क्या होते हैं बेटा, पैराफिन्स वो होते हैं जो रिएक्ट कम करते हैं, जो रिएक्ट कम करते हैं, ठीक है। अभी नाम नाम समझ लो, इंपॉर्टेंट बात जो है वो लिख लो, बाकी आप कोई इतना दिमाग लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप में से किसी ने पता नहीं पढ़ा हो या नहीं करा हो, ठीक है, हाँ सर्विसिंग तो आप भी ये कमेंट, ठीक है ठीक है, ओके। तो हमारे पास क्या है बेटा, पैराफिन्स है, दूसरा होता है ओलेफिन्स, ओलेफिन्स। अब ये नाम जो है ये सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं जो हम नहीं पढ़ते हैं, डिप्लोमा में तो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। अगर आप प्लस वन प्लस टू करके आए हो, बीटेक किया, तो आपने बहुत ज्यादा इनके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो तीसरा है नेप्थलीन्स, नेप्थलीन्स, ठीक है, नेप्थलीन्स। और चौथा है एरोमेटिक, चौथा है एरोमेटिक। इन चारों में से हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया, इन दोनों से पूछा गया, एरोमेटिक और पैराफिन्स के बारे में पूछा गया, इनके बारे में पूछा है, बाकी इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल हमें नहीं पूछनी है। मतलब इन दोनों के बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसके दो चीजों के बारे में समझना है, इन दोनों चीजों के बारे में। एक तो इसका फॉर्मूला पूछा गया, ठीक है, इसका होता है CnH2n plus 2, CnH2n plus 2, ठीक है, plus 2, ये है। और इसको कह देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको क्या बोल देते हैं हम, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड क्या होते हैं, जो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, सैचुरेटेड है, उसको और ज्यादा किसी की जरूरत नहीं है, हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसका नाम होता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल आ जाती है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, एग्जांपल लिख लो इसकी, मीथेन गैस है जैसे, मीथेन, इथेन, ठीक है, इथेन, ये गैसेस जो है ये हमारे पास क्या आ जाती है, इसकी एग्जांपल आ जाती है। प्रोपेन, इसका एग्जांपल लिख लो प्रोपेन, प्रोपेन भी इसकी एग्जांपल है। अब बात ये आ जाती है बेटा, इसका जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है वो लो होता है। अब बात समझ लो ये क्या है, ठीक है, लिख लो इसको, बात को समझ लो, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, सेल्फ इग्निशन, इग्निशन टेम्परेचर, ये कोई टेम्परेचर होता है जिस पे जाकर कोई, हर किसी का अलग होता है बेटा, ये चीज याद रखना, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो हर किसी का अलग होता है, हर किसी का अलग होता है। द टेम्परेचर एट विच, इसको डेफिनेशन से भी लिख लीजिए, द टेम्परेचर एट विच, टेम्परेचर एट विच, विच एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस,
सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है जो, ठीक है, सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग, बर्निंग कह लो, आग लगना कह लो, ठीक है, वो स्टार्ट हो जाता है उसका अपने आप, बाय इट्सेल्फ। डिफरेंस है बेटा, इट्सेल्फ अपने आप ही बर्न करने स्टार्ट कर दे, वो टेम्परेचर। देखो बेटा, वो टेम्परेचर, एक वो थे कपिल शर्मा का बड़ा फैन हूं मैं, कपिल शर्मा सर जी कहते हम शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और दीपक को जलाते हैं, कहता दीपक को जलाते हैं, है ना, बंदे ने सोचा कि दीपक जलाना है, कहता हेलो, फोन किया, चलो हेलो, हाँ दीपक, मैंने नई गाड़ी ली है, कहता चलो दीपक जल गया। अब किसी को जलाना है, वो जलाना क्या हो गया, भाई मैंने गाड़ी ले ली उसको, वो तो जल गया, वो अंदर से तो जल गया, वो बुरा हाल हो गया। अब ये इसका क्या मतलब है, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर का। देखो बच्चा, मान लीजिए कि हमारे पास, मान लीजिए यहाँ पे एयर है, मान लीजिए आप यहाँ पे मेरे पास, मान लीजिए एयर है, एयर का टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर वो हाई हो गया। अब इसके अंदर मैंने पेट्रोल डाल दिया। टेम्परेचर अगर इतना हुआ कि पेट्रोल के सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जितनी एयर इसका टेम्परेचर हुआ, एयर का टेम्परेचर हुआ, तो पेट्रोल को जलाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही जल जाएगा। पेट्रोल आप उस टेम्परेचर वाली एयर में छोड़ दो, बस पेट्रोल खुद ही जल जाएगा। इसी तरह डीजल। अब लेकिन बात यह है कि हमारे पास इस चीज को नोट करना, प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, इस चीजों को बड़े ही ध्यान से समझना जो मैं चीज समझा रहा हूं। एक बार ही समझाऊंगा, बार बार इस चीज को समझाया नहीं जाता। अगर किसी को ना समझ आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है, पूछ लेना, लेकिन इसको डाउट मत रखना, दिमाग में कोई डाउट मत रखना। ये मान लीजिए कि हमारे पास पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजन में जब हम, देखिए नीचे आते हैं, इसको सक्शन करते हैं, तो हमारे पास ये सक्शन होगा, तो ये नीचे आएगा, सक्शन हुआ, उसके बाद क्या करते हैं, कंप्रेशन करते हैं, तो कंप्रेशन के वक्त हमारे पास एयर का टेम्परेचर बढ़ता है और हम जलाते हैं पेट्रोल को स्पार्क प्लग से। हम किससे जाते हैं, स्पार्क प्लग से जाते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि वो स्पार्क प्लग से चले, हम ये चाहते हैं कि वो स्पार्क प्लग से ही आग लगे, अपने आप ना लग जाए, ऐसा ना हो जाए कि वो अपने आप ही जल पड़े। हम तो क्या चाहते थे कि हम इससे जलाना चाहते थे कि हम अपना स्पार्क प्लग की हेल्प से जलाएं, हम स्पार्क प्लग की हेल्प से जलाएं और स्पार्क प्लग की चिंगारियां जो है इसको आग लगाएं, और अगर ये अपने आप जल गया बेटा तो यहां प्री इग्निशन हो जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं, इन पेट्रोल इंजन, वी डोंट वॉन्ट पेट्रोल टू इग्नाइट बाय इट्सेल्फ। हम नहीं चाहते ये कि अपने आप ही जल जाए, क्यों, क्योंकि इससे प्री इग्निशन हो जाएगा और प्री इग्निशन डेटोनेशन करेगा। प्री इग्निशन क्या होगा, पहले ही आग लग गई, हमने आग लगानी थी वो पहले ही लग गई, और वो आपस में दो फ्लेम जो है वो टकराती हैं, उसके कारण डेटोनेशन होता है जो हम अभी पढ़ेंगे। सो डोंट वरी, इसमें मत सोचना कि मैंने जल्दी जल्दी में खत्म कर दिया, डेटोनेशन के ऊपर अभी पढ़ेंगे हम, अभी तक इतना समझ लो, हम ये नहीं चाहते, बट हम डीजल इंजन में ये चाहते हैं, ठीक है, हम ये डीजल इंजन में चाहते हैं, बट इसमें लिख लो, बट इन डीजल इंजन वी वॉन्ट, हम चाहते हैं, वॉन्ट डीजल टू इग्नाइट इटसेल्फ,
इग्नाइट इटसेल्फ, अपने आप ही जल जाए। हम ये क्या करते हैं इसमें, चाहते हैं इटसेल्फ अपने आप जल जाए, ये हम चाहते हैं। ठीक है, हम ये चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमारे पास जब डीजल इंजन की बात आती है ना मेरा बच्चा, हमारे पास ये डीजल इंजन हम इस तरह से बना लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इसको, ठीक है, और ये हमारे पास डीजल इंजन की कहानी हम बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी कहानी हम इसको बना लेते हैं, ये लो। ठीक है, अब डीजल इंजन में क्या है हमारे पास, डीजल इंजन में यहां पे इंजेक्टर है, यहां पे क्या है, इंजेक्टर। इंजेक्टर वो क्या करता है, हम पहले माहौल तैयार करते हैं कि भाई डीजल आएगा, इसके लिए माहौल तैयार करो। क्या तैयार करो, एयर का टेम्परेचर इतना बढ़ा दो कि वो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक आ जाए डीजल के। डीजल बस अंदर आएगा, आके देखेगा ओ माय गॉड यहां तो इतना टेम्परेचर जल गया, आग लग जाती है उसको, उसको आग लग जाती है। और ये होता है सब कुछ, ये ऐसे नहीं है कि नहीं होता, अपने आप चीजें जल जाएंगी, अपने आप चीजें जल जाएंगी। यहां इंजेक्टर है, यहां स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग है, तो हम इसमें नहीं चाहते और इसमें हम चाहते हैं। तो बात तो एक बात तो समझ आ गई आपको, ये आपको बात समझ आ गई होगी, डिफरेंस क्या है आपको, ये चीज समझ आ गई बेटा, ये चीज समझ आ गई बेटा। समझ लेना इन चीजों को, प्री इग्निशन और सेल्फ इग्निशन में क्या डिफरेंस है। देखिए, प्री इग्निशन और सेल्फ इग्निशन क्या है, देखो सेल्फ इग्निशन है, सेल्फ इग्निशन क्या है कि अपने आप जल जाना, है ना, अपने आप जल जाना। प्री इग्निशन क्या है कि हम जब चाहते हैं उससे पहले जल जाना है। तो बात तो वही है कि पेट्रोल सेल्फ इग्निशन से चल जाता है, लेकिन हम जब चाहते हैं, हम तो चाहते हैं स्पार्क प्लग चलाए, लेकिन उससे पहले ही वो सेल्फ इग्निशन से चल पड़ा, तो नाम क्या बना दिया हमने, प्री इग्निशन, कि भाई ये तो यार अभी नहीं करना था। जैसे वो फिल्म देखी है एक, वो कहता जो प्लेन में होता है ना, प्लेन में उड़ रहा होता है, हम प्लेन में उड़ रहे हैं भाई, कहता हो यार वो बचा भाई, भाई ये क्या करें, हम क्या करें इसका प्लेन का, कहता आपको वो सामने रेड बटन दिख रहा है, कहता हाँ हाँ हाँ, कहता दबा दिया, नहीं, कहता नहीं दबाना था, मतलब अभी नहीं दबाना, हमने नहीं दबाना था, हमने ये नहीं चाहते, पहले ही आपने काम कर दिया, तो वो प्री इग्निशन हो गया। सेल्फ इग्निशन तो बात तो वही है, सेल्फ इग्निशन हो रहा है, लेकिन हम चाहते नहीं थे अभी बेटा, तूने ये पहले कर दिया, इसका नाम प्री इग्निशन पड़ गया। तो आई होप ये डिफरेंस आपको पता लग गया होगा, आई होप ये डिफरेंस आपको पता लग गया होगा। तो ये जो होते हैं ना बेटा, ये देखो इसको, अब यहां पर वापिस आ जाओ, यहां पर हाइड्रोकार्बन में वापिस आ जाओ, जो पैराफिन्स होते हैं, पैराफिन्स होते हैं, इसका पैराफिन्स की हम बात करें तो बात, मतलब पैराफिन्स वाले में वापस आते हैं, तो इसका लो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है, इसका क्या होता है, लो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है, लो सेल्फ सेल्फ, ठीक है, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है, ठीक है, इग्निशन। और आपको पता है, ठीक है, आपको पता है कि लो वाला हमें नहीं चाहिए पेट्रोल वाले में, पेट्रोल वाले में नहीं चाहिए बेटा, ये हमें बात आपको समझ आई कि नहीं समझ आई, हमें ये पेट्रोल में नहीं चाहिए कि अपने आप जल्दी बर्न करे। सो इट इज नॉट गुड फॉर, गुड फॉर SI इंजन के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन इट इज गुड फॉर किसके लिए, गुड फॉर CI इंजन। बात समझ आ गई मेरे ललन प्रसाद, बात समझ आ गई। आगे से कभी पूछे कि CI इंजन के लिए कौन सा यूज करते हैं, पैराफिन्स यूज करते हैं। CI के लिए कौन सा यूज करते हैं, हम पैराफिन्स यूज करते हैं। आई होप ये चीज आपने लिख ली होगी, ठीक है, सैचुरेटेड होते हैं, ये लिख लो इसमें एक, हाँ एक यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, सैचुरेटेड कार्बन के साथ आप एक और चीज लिख सकते हो, ये क्या होते हैं, ये सिंगल बॉन्ड होते हैं, ये क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे लिख लो कहीं पे, कहीं ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, सिंगल बॉन्ड। अब ये क्या होते हैं, बॉन्डिंग क्या होती है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये सब कुछ बेटा केमिस्ट्री में आता है, केमिस्ट्री में आता है,
ठीक है, जो हमें रिक्वायरमेंट है वो ये है, हमें इसकी रिक्वायरमेंट है कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, पैराफिन क्या होते हैं, ये किसके लिए अच्छे हैं, किसके लिए नहीं अच्छे हैं। अगर आपको समझ आ गई तो एक बार ओके लिख दो, ठीक है। और एक यहाँ पे आता है बेटा एरोमेटिक, एक यहाँ पे आ जाता है हमारे पास एरोमेटिक। जो एरोमेटिक है इसके लिए हमारे पास क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये क्या है, अनसेचुरेटेड, ये क्या है हमारे पास, इसको लिख लो प्लीज, ठीक है, इसको थोड़ा सा लिख लो, अनसेचुरेटेड है ये, अनसेचुरेटेड, ठीक है। वो क्या थे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन है, अनसेचुरेटेड है। और इसका जो फॉर्मूला है C6H6, इसका लिख लीजिए, एरोमेटिक का क्या फॉर्मूला है, C6H6। ये भी पूछी हुई चीजें हैं बेटा, ये सारी पूछे, मतलब आपने पता क्या करना है बेटा, एक और ऑब्जेक्टिव टाइप आप जब पढ़ते हो ना, ऑब्जेक्टिव टाइप का ये मतलब नहीं है कि पढ़ो और याद हुआ तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। आपने जो नोट्स बनाए ना बेटा, उसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप में कुछ आ गया फ्यूल्स के बारे में। अब मैं इसमें से, अब देखो मैं कोई वो तो हूं, शक्तिमान तो हूं नहीं, हर चीज कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दुनिया में पूछी जा सकती है फ्यूल्स के बारे में। फ्यूल्स के बारे में आपको कहीं से कोई टॉपिक मिला कि सर ये मैंने पढ़ा, यहां से इधर लाके लिख दो उसको, इसके साथ कहीं पे छोटा सा साथ लिख लो। कभी ये मत करो कि ऑब्जेक्टिव टाइप कर ही जा रहा हूं मैं और भूली जा रहा हूं, कर ही जा रहा हूं भूली जा रहा हूं, नहीं, उसको लिख लो यहां पे। जब आप नोट्स उठाओगे तो उसमें ये ऐड करते जाओ, नोट्स के अंदर ऐड करते जाओ, ठीक है। तो इसके क्या है, इसका ये खासियत क्या है, इसकी खास बात क्या है वो लिख लीजिए बेटा, ठीक है। इसका क्या है, हाई सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, हाई सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या है इसका, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर हाई है, ठीक है। तो हाई मतलब इसका सेल्फ इग्निशन है, तो हमारे पास इसमें फायदा कहां मिलेगा, एसआई में। तो इट इज गुड फॉर एसआई इंजन के लिए अच्छा है, ठीक है। नॉट गुड फॉर सीधी सी बात है, ठीक है, गुड फॉर सीआई इंजन के लिए अच्छा नहीं है। और ये जब आप देखोगे कहीं पे क्वेश्चन, तो आपकी एक स्माइल आएगी चेहरे पे कि सर ये मैंने करा हुआ है, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा ये चीज करके, ठीक है। और इसके बारे में बात करें तो ऑलिफिन्स जो है, ठीक है, इसमें सिर्फ फॉर्मूला पूछते हैं, नहीं तो नहीं, वो भी नहीं पूछते, ठीक है। तो ये क्या है, C4H8, इसके बारे में अगर पूछें, क्योंकि ये यूज नहीं होते तो हमारी जरूरत नहीं पड़ती इसको। तो और ये है C5H10, लेकिन अगर आपको सिर्फ नाम ना पूछे कि इसके चार क्या है, अलग अलग है, चार कौन कौन से टाइप्स हैं, तो ये चार टाइप्स है बेटा, ये चार टाइप्स है, लिख लिया बेटा। आरएसी में आता है, नहीं बेटा आरएसी में नहीं आएगा। हाँ ये देखो, मूवी की बात करो ना इनके साथ, खुशी आ जाती चेहरे पे, खुशी आ जाती चेहरे पे जब इनके साथ मूवीज की बात करो, तो मजा आ गया सर। हाँ हाँ, ये ऐसी बातें करो, पढ़ाई वाली बातें मत करो, है मजा आ जाता है ऐसी ना, मूवीज देख के मजा आ जाता है, ठीक है। चलो अच्छी बात है बेटा, आपके साथ बातें होती रहे, चलो अच्छी बात है। चलो जी बेटा नेक्स्ट करें, इसको लिख लिया होगा आपने, लिख लिया होगा ना, ओके नेक्स्ट चलते बेटा। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और आ जाएगा बेटा, इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे और यहाँ पे आ जाते हैं। ये भी बड़ा मेन बातें हैं बेटा, बहुत ज्यादा मेन बातें हैं। तो हमने जो जो चीजें मैंने आपको डेटोनेशन ये सब कुछ कराना है, सो एक एक करके धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। तो फ्यूल्स फॉर एसआई इंजन, पहले जो सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख लो, फ्यूल्स फॉर एसआई इंजन के लिए फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है।
जो हमारे पास मेन क्या होता है, मेन हमारे पास आता है पेट्रोल, मेन पास हमारे पास आता है पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल है, एलपीजी है, ये है, ठीक है, तो इसको लिख लेंगे, तो ठीक है, तो इसको लिख लीजिए प्रेजेंटली क्या यूज कर रहे हैं, प्रेजेंटली क्या यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट फ्यूल्स कौन कौन से हैं, ठीक है, तो उसकी बात करें हम, तो हमारे पास कौन सा है, जैसे कि पेट्रोल है जिसको हम गैसोलीन बोल देते हैं, पेट्रोल और गैसोलीन, गैसोलीन, ठीक है, और हमारे पास दूसरा है, ठीक है, एल आई, गैसोलीन एल आई एन ई है, ठीक है, एल आई है, ये एल आई, इसमें स्पेलिंग में गड़बड़ है, एल आई है, एल आई, एल आई एन ई, पेट्रोल और गैसोलीन, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा जैसे, तो ऐसा ही इंजन की बात करें तो एलपीजी भी हम इसमें यूज कर लेते हैं, ठीक है, एलपीजी वाले भी हम यूज कर लेते हैं। अल्टरनेटिव फ्यूल्स की बात करें तो अल्टरनेटिव फ्यूल्स, अल्टरनेटिव और कौन से हम यूज कर सकते हैं लेकिन करते कम है, ठीक है, अल्टरनेटिव फ्यूल्स और कौन कौन से फ्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है, और उसमें हम बात करें तो पहला है अल्कोहल, ना सीएनजी है, हाइड्रोजन है, तो हमारे पास क्या है, अल्कोहल है, ठीक है, दारू पिला के भी हम गाड़ी चला सकते हैं, अल्कोहल है, ठीक है, और सीएनजी है, सीएनजी है, ठीक है, तो ये मतलब जो चल रहे हैं, जो चल रहे हैं, हाइड्रोजन, अब आप बात करें तो बेटा हाइड्रोजन जो है वो भी चलता है, लेकिन हाइड्रोजन थोड़ा मुश्किल काम है, हाइड्रोजन के ऊपर क्या वर्किंग है उसकी अगर आप देखना चाहते हो तो YouTube पे पड़ी है वीडियो, आपके इस कोर्स में भी पड़ी हुई है, एसएससी जेई 2022 वाले ना ऑटोमोबाइल वाली वीडियो है उसमें पड़ी है, हाइड्रोजन कार कैसे वर्क करती है, अगर आपने देखना तो वो देख सकते हैं। तो हमारे पास ये फ्यूल्स जो है वो ऐसा ही इंजन के लिए होते हैं, ठीक है, ये ऐसा ही इंजन के लिए होते हैं। अब आ जाती है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऐसा ही इंजन फ्यूल, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मतलब हमारे पास इसमें कौन कौन सी उसकी खासियत होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑफ, ठीक है, गैसोलीन या पेट्रोल, पेट्रोल का, क्योंकि पेट्रोल के ऊपर हम ज्यादा डिस्कशन करेंगे, पेट्रोल के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, इसको लिख लो बेटा, पेट्रोल के अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि हमारी पेट्रोल के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, पेट्रोल के अंदर, तो सबसे पहले है बेटा वॉलेटाइलिटी, वॉलेटाइल, ठीक है, वॉलेटाइलिटी, वॉलेटाइलिटी, ठीक है, कि वो वॉलेटाइल है या नहीं है, ठीक है, पहली बात हम ये करेंगे कि वो वॉलेटाइल है या नहीं है। वॉलेटाइल क्या मतलब होता है, कि उसकी वेपर्स जो है वो जल्दी बनते हैं या नहीं बनते, वेपराइजेशन है, वॉलेटाइल है, वो उड़ जाता है, जैसे हम कहते हैं ना उड़ जाना, तो वो उड़ जाता है ऊपर, तो वो है या नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आ जाता है वेपर प्रेशर वाला बेटा, ठीक है, तो बेटर रहता है, देखा, मोर वॉलेटाइल ऑफ फ्यूल हायर विल बी द फ्यूल एयर रेशियो, ठीक है, तो हमारे पास वॉलेटाइल जो है, ठीक है, इट इज टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू एवेपोरेट, तो पहले लिख लो, इसको लिख लो पहले, इट इज द टेंडेंसी, इट इज द टेंडेंसी, टेंडेंसी ऑफ ऑफ फ्यूल, फ्यूल टू इवेपोरेट, इवेपोरेट होना, इवेपोरेट होना, ठीक है, तो टेंडेंसी है कितना इवेपोरेट हो सकता है, जल्दी हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसको लिख लो, इसको लिख लो, तो इसकी जो वेरी करती है वॉलेटिलिटी वो हमारे पास है 35 to 70 किलो पास्कल, तो इसको लिख लो, ये इसकी वॉलेटिलिटी क्या है, 35 to 70 किलो पास्कल, किलो पास्कल एट टेम्परेचर, मतलब कौन से टेम्परेचर पे होती है, तो ये 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये बेटा सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे हुए हैं ये, कि वॉलेटिलिटी हमारे पास कितनी है, पेट्रोल की कितनी है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास, दूसरा है हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसमें पूछा गया है जो क्वेश्चन वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं पता क्या होती है, तो ये बेटा फ्लूइड मैकेनिक्स में हम कवर करते हैं, तो अभी हम फ्लूइड मैकेनिक्स का नहीं कवर कर रहे, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी को समझने में, ठीक है, लेकिन इसको एक बार लिख लो, एक बार लिख लो, तो ये नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगा, मैं बता दूंगा लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं बता सकता, तो 0.7 से लेकर 0.9 तक होती है
0.7 से 2.9 होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 0.7 से लेके 0.9 तक होती है। कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो हमारे पास कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। रट्टाफिकेशन है बेटा, सीधी सीधी सी बात है, रट्टाफिकेशन है, इसमें वो नहीं है कि आपको कुछ समझाने वाली बातें हैं। कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है वो हमें रट्टा ही मानना पड़ेगा कि हमारे पास रट्टाफिकेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है बेटा, रट्टाफिकेशन है और कुछ नहीं है। तो हम क्या करें, इसकी वैल्यूज हमें याद रखनी है। तो ये है 45 मेगा जूल पर किलोग्राम, 45 मेगा जूल पर किलोग्राम केल्विन। तो ये हमारे पास कितनी है, 45 मेगा जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है, ओके। और इसमें ऑक्टेन नंबर हाई रखते हैं बेटा। अब ये ऑक्टेन नंबर क्या है ये भी आपको बताया जाएगा, ऑक्टेन नंबर अगर आपने पढ़ा हुआ है अच्छी बात है, ये भी मैंने आपको समझाया हुआ है, लेकिन अब इसके ऊपर स्पेशल हम डिस्कशन करेंगे। तो हायर, ठीक है, हायर ऑक्टेन नंबर हमें चाहिए होता है, हायर ऑक्टेन नंबर नंबर इज रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड है, अच्छा, जितना ज्यादा हायर होगा ऑक्टेन नंबर उतना ज्यादा हमें अच्छा रहता है, तो ये हमें फायदा देगा, ठीक है। तो ये है, इसके अलावा हमारे पास जो है फ्यूल साफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ये बातें आ जाती है, लेकिन इसके अलावा बहुत ज्यादा नहीं पूछता, मोस्टली ये पूछा हुआ है बेटा, ये वाली वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा बेटा। केरोसिन नहीं होगा कि केरोसिन नहीं है बेटा, केरोसिन नहीं है, ठीक है। ऑटोमोबाइल में नहीं आता क्या, ऑटोमोबाइल में बेटा देखो मैं आपको बात वही बता रहा हूं बेटा, बात यह है कि पूरा इंडिया अलग है, ठीक है, मतलब इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, हर स्टेट का अपना बोर्ड है, हर बोर्ड के जो मेंबर है उनका दिमाग अलग है। कोई कहता है इसको आईसी इंजन वाले में टॉपिंग में डाल दो, कोई कहता है इसको ऑटोमोबाइल में डाल दो, जहां मर्जी डाल लो, हमें तो बेटा जय बनना है। ये आप सोचो ऑटोमोबाइल का है, ये आप सोचो आईसी इंजन का है, ये आप सोचो थर्मोडायनेमिक्स का, जिसका मर्जी है, हमारा एक नंबर है ये। तो ये है कि आप इसको याद कर लोगे तो ये एक नंबर दे देगा, नहीं याद करोगे तो एक नंबर डूब गया आपका, बस इतनी सी बात है। अब आप जिसको मर्जी सोचो कि सर ये किस टॉपिक का है, ये उस टॉपिक का है, ये उस टॉपिक है, उसकी जरूरत नहीं है हमें ज्यादा सोचने की जरूरत हमें नहीं है। अब आ जाते हैं बेटा, थोड़ी सी बातें बहुत ज्यादा अच्छी हैं जो डिस्कशन लायक है, जो डिस्कशन के लायक है। तो आ जाइए बेटा इसके टॉपिक के ऊपर। ये मैंने ऑलरेडी बेटा वीडियोस बनाई हुई है, ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी आपको अगेन मैं एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पर आ जाते हैं बेटा, डेटोनेशन पहले कराएं, ठीक है, ओके, यहां पर आ जाते हैं, ठीक है, डेटोनेशन पे आ जाते हैं। ये सारी चीजें जो है आपके साथ डिस्कशन करने वाली है, ठीक है। ये क्या है भाई साहब, एक मिनट बच्चे हैं, एक तो ना एक कंप्यूटर की बहुत ज्यादा समझ नहीं है मुझे, ये बड़ी प्रॉब्लम है मुझे, चलो चलने दो, अभी बाद में करेंगे ये, ठीक है। अब बात करते बेटा डेटोनेशन की, आई होप ये वीडियो आपको क्लियर दिख रही हो, तो मैं आपको ये क्लियर दिखाने की कोशिश करूंगा जो भी चीजें हैं, तो हमें थोड़ा सा इसकी लाइट इंक्रीज करनी पड़ेगी। डेटोनेशन क्या है इसको आराम से समझ लो, ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट रह जाए तो मुझे पूछेंगे जरूर आप, क्योंकि बेटा ये रिकॉर्डिंग वालों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। डेटोनेशन क्या है, देखो डेटोनेशन को अगर आप समझना चाहते हैं तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन समझिए। डेफिनेशन क्या है, टू एक्सप्लोड और मेक अ बॉम्ब, कि हमारे पास क्या है बम आदि का विस्फोट होना। तो पहले तो हिंदी समझ ली, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है कि डेटोनेट करना क्या है कि हमने एक्सप्लोड करना, धमाका होना, ठक ठक ठू ऐसे आवाज आई, ये क्या है हमारे पास डेटोनेशन है। और ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है एसआई इंजन में, हमारे पास इंजन्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डेटोनेट करना। डेटोनेट आवाज आएगी आपको, खर 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 आवाज आएगी, अरे यार ये क्या आवाज आ रही है इंजन में से, तो वो कहेंगे फ्यूल डेटोनेट कर रहा है। फ्यूल डेटोनेट करना मतलब वो ब्लास्ट, अलग अलग जगह पे ब्लास्ट हो रहा है, ठा 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 आवाज आ रही है,
तो वो आवाज क्यों आती है, ये आवाज क्यों आती है? देखो बेटा, हम बात करें तो ये वीडियो आपको क्लियर दिखनी चाहिए बेटा, थोड़ा सा और हम लाइट इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी लाइट और इंक्रीज कर लेते हैं इसकी, यहाँ पे आ जाते हैं। देखो बेटा, अब बात करें तो रेगुलर कंबस्टन क्या होती है। रेगुलर कंबस्टन में हम देखते हैं हमारे पास, जैसे रेगुलर कंबस्टन की बात करें तो हमारे पास मान लीजिए इंजन है कोई, तो इंजन में सबसे पहले यहाँ पे देखो सक्शन हो रहा है, सक्शन हुआ, कंप्रेशन होगा, ठीक है, इसके बाद क्या होगा हमारे पास, कंप्रेशन होगा, ये देखो, और उस ये तो एग्जॉस्ट कर दिया इन्होंने, सॉरी इसमें अच्छा नहीं दिख रहा, अब दोबारा शायद स्टार्ट होगा, ये देखो अब ये होगा, तो ये सक्शन होगा और उसके बाद कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन होता है और वहां पे हमारे पास फ्यूल बर्न होता है। तो हमारे पास सक्शन, फिर कंप्रेशन और तब फ्यूल बर्न हुआ, फ्यूल बर्न हुआ और उसके बाद क्या हुआ, वो पिस्टन नीचे आ गया, हमें पावर स्ट्रोक मिल गया, हमें क्या मिल गया, पावर स्ट्रोक मिलता है, ओके पावर स्ट्रोक मिल गया। लेकिन हमारे पास यहां क्या होगा, यहां होगा देखो बेटा, आप जब ये देखो फ्यूल बर्न करना था स्पार्क प्लग ने, फ्यूल बर्न किसने करना था, स्पार्क प्लग ने, ठीक है, लेकिन कर यहां पे देखना एक बार, ये वाला पॉइंट पे देखना, ध्यान देना, ठीक, ये देखो यहां पे बर्न हो गया, ये क्या हो गया, ये सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर के कारण, ये सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर के कारण, प्री इग्निशन कह दो उसको, प्री इग्निशन क्या है, पहले ही बर्न कर देना, देखो, और ये दो आपस में फ्लेम टकरा गई आपस में, फिर फ्लेम जो है यहां वाली फ्लेम जो है, अब ध्यान से देखना, ये फ्लेम आई और ये फ्लेम आई, आपस में टकरा गई और एक धमाका होता है जिसको हम डेटोनेशन बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेटोनेशन बोलते हैं। एक बार देख लो, ये देखो डेटोनेशन, बात समझ आई, दिस इज कॉल्ड डेटोनेशन। तो इसके पॉइंट जो है बेटा, एक पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंट्स को लिखेंगे हम बेटा, पॉइंट्स को लिख लो, जो जो मैं आपको पॉइंट लिखवा रहा हूं प्लीज इसको नोट कर लेना, जो जो पॉइंट आपको लिखा रहा हूं, तो ये पॉइंट लिखे, डेटोनेशन इज द स्पॉन्टेनियस कंबस्टन ऑफ एंड गैस, ठीक है, इन द चैम्बर। तो हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास स्पॉन्टेनियस एक जगह पे अपने आप, स्पॉन्टेनियस क्या होता है, अपने आप जो प्रोसेस हो जाए, जैसे चाय पड़ी है, चाय अपने आप ठंडी हो रही है, दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, चाय अपने आप ठंडी, कोक जो है अपने आप गर्म हो जाता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है, अपने आप कंबस्टन हो जाना किसका, एंड गैसेस का, एंड गैसेस का, या रिमेनिंग जो भी आपका फ्यूल एयर मिक्सचर था उसका, इन द चैम्बर, चैम्बर के अंदर हमारे पास क्या हो गया, ये बर्न हो गया, और ये दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है बेटा, ये आम नहीं है, ये खास, बहुत खास बात है कि इसके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको लिख लिया होगा, इसको लिख लिया होगा, ठीक है, अब चलते हैं आगे और इसके अंदर हम समझते हैं, ओके, और नेक्स्ट लिए, नेक्स्ट है, इट ऑलवेज अकर आफ्टर नॉर्मल कंबस्टन इज इनिशिएटेड बाय द स्पार्क प्लग, ठीक है, तो हमारा नॉर्मल कंबस्टन है, नॉर्मल कंबस्टन जैसा होता है, उसके बाद हमारे पास साइड में इनिशिएट हो जाता है, तो ये उसके साथ हो जाता है, ठीक है, उसके साथ, इफ द कंबस्टन प्रोसेस मूव टू फास्ट एंड द प्रेशर पीक अकर्स टू अर्ली, तो हमारे पास क्या होता है कि प्रोसेस, कंबस्टन की प्रोसेस बहुत ज्यादा जल्दी हो और हमारे पास पीक प्रेशर जो है, पीक प्रेशर क्या है, मैक्सिमम प्रेशर जो आना था, ठीक है, वो जल्दी आ गया, उसका पीक प्रेशर जो है जल्दी आ गया, ठीक है, मैं आपको बताता हूं, नॉकिंग, नॉकिंग भी बताता हूं बेटा, नॉकिंग और डेटोनेशन यही बातें हैं, मैं आपको बताता हूं अभी डिफरेंस, ठीक है, नॉकिंग और डेटोनेशन ये सारा कुछ एक जैसा ही है बेटा, सो डोंट वरी, इसमें प्री इग्निशन, नॉकिंग, डेटोनेशन एक जैसे ही है सारे, ठीक है, द रिजल्ट कैन बी एक्सेसिव प्रेशर, एक्सेसिव टेम्परेचर एंड अनस्टेबल प्रेशर पल्सेस नोन एज डेटोनेशन, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर हमें मिलता है, एक्सेसिव प्रेशर मिलता है, एक्सेसिव टेम्परेचर मिलता है और अनस्टेबल प्रेशर पल्सेस मिलती है, अनस्टेबल मिलती है, तो इसको रिजल्ट मिलता है हमें इसका, ठीक है, रिजल्ट मिलता है, डेटोनेशन इज समथिंग दैट अकर नियर द पीक प्रेशर point in the combustion event after air fuel charge has been ignited normally by the spark plug. तो ये आसपास कहीं पे, spark plug के आसपास कहीं पे detonate हमारा peak pressure बनता है और वो हमें करवा देता है। ये points जो है बेटा, please इसको लिख लो, ठीक है, हर चीज आपको provide करने के बार मुश्किल हो जाती है कि इसको भी आप PPT को भी मैं आपके पास send करूं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप please इसको भी note कर लो,
ये मत सोचना कि सर दे ही देंगे, या आप स्क्रीनशॉट तो आप ले नहीं सकते हो इसमें, है ना, स्क्रीनशॉट तो ले नहीं सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है, लिख लिया बेटा, ये लिख लिया क्या, ये चीज लिख चुके हो क्या, जल्दी से एनीवन, लिख लिया है, लिख लिया क्या, लिख लिया क्या एनीवन, इस पॉइंट्स को लिख लिया है, नहीं लिखो फिर लिखो जल्दी से, लिख लो इसको, ओके लिख लिया, गुड गुड जी, गुड गुड गुड। और एक बार वीडियो देखता हूं ना सर, तब लिखूंगा, ओके चलो ये भी है भाई, क्या खतरनाक लिया रहा, क्या लिख रहे हो सर, ये लिख रहे हैं कि दोबारा वीडियो देखता हूं शाम को तो तब लिखता हूं, अरे यार क्या खुशकिस्मत हो, खुशकिस्मत हो। अब देखो डेटोनेशन वर्सेस नॉकिंग क्या है, डेटोनेशन इज द कॉज एंड नॉकिंग इज द आफ्टर इफेक्ट। देखो बेटा डेटोनेशन एक प्रोसेस है, डेटोनेशन क्या है, प्रोसेस है, लेकिन उसके कारण नॉकिंग हो जाती है। अब देखो आप दो भाइयों की लड़ाई होगी, ठीक है, आप दो भाई हो, रिमोट के कारण आपकी लड़ाई होगी, ठीक है, आपका क्या हुआ, आपस में लड़ाई हुआ, डेटोनेट करना स्टार्ट कर दिया आपने, आपने डेटोनेट ब्लास्ट करना स्टार्ट कर दिया, आपने रिमोट उठा के ऐसे फेंक दिया, फेंका लेकिन जाके लगा दीवार पे या टीवी पे ठा, वो हो गई नॉकिंग। नॉकिंग इज जस्ट खटखट, कि आप जैसे दरवाजा खड़ा करते हो नॉक नॉक, तो दिस इज कॉल्ड नॉकिंग। डेटोनेशन एक प्रोसेस है, डेटोनेशन होगी तो उसके कारण जो दीवारें हैं, सिलेंडर है, वो ठक 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 आवाजें आएंगी, उसमें आवाजें आएंगी, तो वो नॉकिंग है। प्लीज इसको लिख लो, प्लीज लिख लो, ठीक है, डेटोनेशन इज द कॉज एंड नॉकिंग इज द आफ्टर इफेक्ट। तो बेटा आप डेटोनेशन को समझना चाहते हो, इसमें क्या है, अगर आप देखोगे नॉर्मल कंबस्टन होती है, नॉर्मल कंबस्टन होगी तो इसमें हम जो धक्का लगाएंगे ना पिस्टन को, देखो इसमें आप फोटो में क्लियर होगा, आपको फोटो अच्छी है आपके पास, ये तो ये नॉर्मल कंबस्टन में क्या है, पिस्टन को आराम से दबाया जा रहा है पकड़ के ऐसे, और इसमें क्या हो रहा है, ठा तेरी तो मार तेरी तो, ये देखा ये होगा, इसमें नॉर्मल कंबस्टन प्यार से, वो मेरा बच्चा आ जा पिस्टन, चल नीचे, चल ऊपर, चल नीचे जा रहा है, क्या बात है, कोई बात नहीं, और यहां चल नीचे, है ना, दो तरीके होते हैं ना, माँ बाप दो तरह के होते हैं, ये होते हैं कोई मेरे बेटा प्यार से, ओ मेरे बच्चा पढ़ ले मेरे बच्चे, कोई बात नहीं, एक होता है तू पढ़ता है कि नहीं ठाल तेरी तो ये डिफरेंस होता है बेटा, ठीक है, ये होता है, ठीक है, आगे चलो, आगे चलो, ये देखो झूला जब मम्मा देती है ना, मम्मा जब झूला देती है तो प्यार से, देखो नॉर्मल कंबस्टन प्यार से आराम से, ठीक है, और पापा कई बार गलती कर देते हैं, ये ज्यादा जग चक्कर में ये हाल हो जाता है, ये देखो ज्यादा ही हम अगर फोर्स लगा दें, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, ठीक है, ज्यादा ही हम फोर्स लगा दें तो क्या होगा, एक बार देख लो, ये देखो ये हाल कर देते हैं पापा कई बार, तेरी तो महाराज उठा के ये ले फिर ठा, तो ये हाल हो जाता है, तो हम भाई साहब नॉर्मल कंबस्टन चाहते हैं, हम डेटोनेशन नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो लिख लीजिए डेटोनेशन हैज नेगेटिव इफेक्ट थ्रू आउट द इंजन। तो हमारा भाई साहब जो है इंजन वो उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है, लाइट डेटोनेशन में कॉज प्री मेच्योर वियर ऑन बेयरिंग एंड बुशिंग। तो हल्का फुल्का अगर आपके पास डेटोनेशन है तो वो बेयरिंग को, बुशिंग को, सबको खराब करेगा,
Severe or prolonged detonation can cause damage to the cylinder head, piston, and lack of deposit on the clean head and the piston face could indicate detonation has occurred. तो हमारे पास पिस्टन के ऊपर हमारे पास बहुत ज्यादा डिपॉजिट जम जाएगा, तो वो खराब करेगा, सिलेंडर हेड को खराब करेगा, पिस्टन को खराब करेगा, ये सब कुछ खराब होते हैं बेटा। और हम समझ लेते हैं डेटोनेशन पता नहीं एक टॉपिक है हमारे वहां पे, हमारा तो एक टॉपिक है बेटा डेटोनेशन पे। आप पीएचडी करना चाहो तो पीएचडी हो सकती है आपकी पीएचडी हो सकती है अगर आप डेटोनेशन पे पीएचडी करना चाहो, ठीक है, डेटोनेशन पे पीएचडी हो जाएगी बेटा आपकी, सच में बताता हूं। अगर आप डेटोनेशन कम कर दो ना, आपको अवार्ड्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, अवार्ड मिलेंगे आपको, भाई साहब इसने डेटोनेशन कम कर दी, इसने ये बता दिया कि डेटोनेशन कम कैसे होती है, तो इनको इनाम दिया जाए, इनको प्राइस दिया जाए, ठीक है। तो ये लिख लिया होगा। अब देखो ये हाल देखो पिस्टन का, ये कोई हमने नहीं किया, हमने थोड़ा पकड़ कर मारा है, डेटोनेशन के कारण हुआ है, डेटोनेशन के कारण, ये हाल देखो डेटोनेशन के कारण, पिस्टन के हाल देखो, ये सब जो हाल होते हैं पिस्टन, ये देखो भाई साहब, ठीक है, ये कनेक्टिंग रॉड का हाल देखो क्या कर दिया, और ये डेटोनेशन ने किया है, ये डेटोनेशन ने किया है, ठीक है। तो डेटोनेशन क्या क्या कर सकता है देख लो, ठीक है। हाउ इज द इंजन प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डेटोनेशन, फ्यूल विद हायर ऑक्टेन रेटिंग विल बी रिड्यूस डेटोनेशन। तो हमारे पास अगर आपने डेटोनेशन कम करनी है तो ऑक्टेन नंबर ज्यादा वाला फ्यूल हम इसके अंदर डालेंगे। अब ऑक्टेन नंबर क्या है वो हम अभी समझेंगे, ठीक है सर, इसको लिख लिया होगा। तो हाउ वी प्रोटेक्ट फ्यूल विद हायर ऑक्टेन रेटिंग विल रिड्यूस डेटोनेशन, तो हायर ऑक्टेन नंबर हम डालेंगे, ठीक है, हायर ऑक्टेन नंबर इसके अंदर डालेंगे। आई होप ये चीज आपकी हो गया होगा, ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखो प्री इग्निशन की बात कर लो, प्री इग्निशन की बात करते हैं और इसको समझते हैं, ठीक है, प्री इग्निशन। तो बेटा प्री इग्निशन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा एग्जांपल से हम समझ लेंगे। आ रहा है मजा, आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ आ रहा है कुछ, समझ आ रहा है? अरे बबुआ आपको नहीं पता एक एक फोटो लाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, ये जो एग्जांपल है ना ऐसे नहीं आ जाती कि भाई ऐसे पकड़ के, ये पता नहीं कितनी बार सोचा, कहां से ढूंढा इसको, एक मिल गई कोई फोटो ऐसी, ठीक है। और ये हाल होता है पिस्टन के अंदर, ये सब कुछ होता है, बुरा हाल होता है इंजन का। तो प्री इग्निशन क्या है, ठीक है, द प्री मैच्योर कंबस्शन ऑफ द फ्यूल एयर मिक्सचर इन द इंटरनल कंबस्शन इंजन। प्री मैच्योर पहले ही आपका जो इग्निशन हो जाना, प्री मैच्योर, ठीक है। तो प्री मैच्योर कंबस्शन ऑफ द, एक डेफिनेशन प्लीज लिख लो इसको, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, premature combustion of the fuel air mixture in the internal combustion engine, पहले ही burn हो जाना, premature combustion होना, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ देखो ये हमारे पास fuel burn हो रहा है, ये देखो, ये regular combustion में हमें इस तरह से करते हैं कि suction हुआ, compression हुआ, ये सब कुछ, ठीक है। तो हमारे पास ये speed बता रहा है ना, हम जब करते हैं regularly ऐसे चलते हैं, हमसे गलत भी हो जाता कई बार, तो regular होता है, regular में इस तरह से। तो प्री इग्निशन कैसे है, तो वो एग्जांपल मैंने इसलिए डाली थी कि एग्जांपल है कि ये देखो ऐसे हो रहा है, सक्शन कंप्रेशन ये सब कुछ सही चल रहा है, जब तक सही चलता रहे सही है, नहीं तो काम खराब है। तो प्री इग्निशन देखो कहां पे, ये देखो हमारे पास इसमें भी वही एग्जांपल है बेटा, ऑलमोस्ट वही चीजें हैं, ये देखो पहले ही कंबस्शन हो गया, अब स्पार्क प्लग ने स्पार्क दिया, स्पार्क देख रहे हो, स्पार्क समझ रहे हो, ये देखना ये कंप्रेस हुआ और ये देखो आग लग गई। और आपने ये स्पार्क प्लग तो बाद में, और ये डिफरेंस है थोड़ा सा, डिफरेंस क्या है थोड़ा सा, डिफरेंस को समझो, आपने जब धक्का नीचे देना था तब, जब देना था, ठीक है, अब देखो अब जाना तो पिस्टन में ऊपर था, लेकिन इसने धक्का ऊपर से दे दिया, पहले ही पावर स्ट्रोक पहले ही स्टार्ट कर दिया उसने, मतलब आप जा रहे थे ऊपर जाने को, उसने धक्का दे दिया नीचे को, ये देखो इसने धक्का दे दिया, अब स्पार्क होनी थी, अब नीचे जाना था, तो ये फायदा नहीं नुकसान हो गया, ये प्री इग्निशन अपने आप ही जल पड़ा भाई, पेट्रोल अपने आप ही जल पड़ा। और सच में मैं कई बार सोचता हूं कि अगर मान लीजिए पेट्रोल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर सिर्फ 40 डिग्री होता,
और हम 40 डिग्री गर्मियों में नॉर्थ इंडिया में तो हमारे आम बात है 40 डिग्री, तो पेट्रोल पड़ा है और आम बड़े 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 था, इसमें आग लगी, क्या हो गया पेट्रोल को, किसने आग लगाई, अपने आप लगी, क्यों, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर आ गया इसका, ये हाल देखो इसका, तो अभी ऊपर आना था ये, लेकिन इसने भाई प्रॉब्लम कर दी, दिस इज कॉल्ड प्री इग्निशन, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ओके, तो प्री इग्निशन, दिस इज कॉल्ड प्री इग्निशन, ये देखो अब रीजन क्या है, रीजन है बेटा कई बार ना यहाँ पे कार्बन हमारे पास जम जाता है ना, हम कहते हैं कार्बन जम गया, कार्बन जम गया, उससे होगा क्या, कार्बन जो है ना अगर हेड के ऊपर कहीं पे वॉल के ऊपर हमारे पास कार्बन जमा हो गया, ये देखो कार्बन कई बार ये निकल के नीचे गिर जाता है, आ गया कार्बन, कार्बन आ गया और यहां पे ये कार्बन कॉज करता है प्री इग्निशन, कार्बन अगर गिर गया तो हमारे पास प्री इग्निशन हो जाएगी, ये देखो गिर गया तो ये आग लगा देता है, कार्बन क्या है, कार्बन मतलब वहां पे कार्बन का जो नहीं चाहिए था वो है, और वो टेम्परेचर जब हाई हुआ तो उस कार्बन ने आग लगा दी उसको, ठीक है, तो गलत बात है बेटा, ये चीज गलत बात है। अब पेट्रोल और कोयला को कभी आपस में पास तो नहीं रखना चाहोगे, मैं यहाँ पे मान लीजिए कोयला का भंडार पड़ा हो, ठीक है, कोयला जला हुआ, हल्का हल्का जल रहा है, मान लीजिए हल्का हल्का जलता है ना कोयला, आपको पता होगा धीरे धीरे जलता रहता है, आप लाके पेट्रोल उसके पास कभी नहीं रखोगे, कभी नहीं रखोगे, ये हाल हो रहा है इसके साथ, कार्बन आ गया उसने भाई आग लगा दी, तो दिस इज कॉल्ड प्री इग्निशन, ये देखो, तो प्री इग्निशन के और ज्यादा फोटोस आपको समझ आ जाएंगे, ये देखो, तो ये हमारे पास प्री इग्निशन के वीडियोस है, इसमें आपको समझ आ जाएगा प्री इग्निशन क्या देते, ये देखो, ठीक है, प्री इग्निशन, और ये भी हमारे पास देखो, हमारे पास कभी स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग की बात करेंगे, स्पार्क प्लग भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कई बार, ठीक है, स्पार्क प्लग भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो हमारे पास इसकी टाइटनेस ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कई बार, ये देखो, ये कई बार खुद गर्म हो जाता है, खुद गर्म हो जाता है, और यहीं से ये देखो रेड हॉट होने के कारण प्री इग्निशन हो जाती है, ये देखो प्री इग्निशन हो जाती है, स्पार्क बाद में मिली लेकिन उसने खुद ही गर्म होने के कारण उसने आग लगा दी, तो स्पार्क प्लग भी कई बार प्री इग्निशन करवा देता है, तो जाना कहां था पिस्टन को, जा कहां रहा है, जा कहां रहा है, ये देखो, ये भी हमारे पास एग्जाम्पल जो है वहां पे आपको प्री, ये देखो, अब थोड़ा सा फास्ट है बेटा, थोड़ा सा फास्ट है ये वीडियो मुझे स्लो नहीं मिली है, इसमें थोड़ा सा फास्ट चलता है ये, ठीक है, इसमें अगर देखोगे ना तो हमारे पास दो बनेंगे, ये देखना, एक तो यहाँ पे बर्निंग होगी, एक यहाँ पे होगी, ये देखो, ये देखिए, ये बर्निंग जो है ना दो अलग अलग ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, ये क्रिएट कर देती है, ठीक है, तो कॉज क्या है, कार्बन डिपॉजिट है, एन ओवरहीटेड स्पार्क प्लग है, अ शार्प एज इन द कम्बस्टन चैम्बर है, क्लीन लीन फ्यूल मिक्सचर है, लीन मतलब इसमें फ्यूल जो है वो कम है, ठीक, एयर जो है वो कम है, एयर कम है, फ्यूल ज्यादा है, ऑटो इग्निशन है, ऑटो इग्निशन ऑफ इंजन ऑयल है, वो भी उसके बूंदे भी है, वो भी गिर जाते हैं कई बार, ठीक है, इनसफिशियंट ऑयल इन द इंजन, तो ये सब कारण जो है वो हो सकते हैं, ठीक है, ये सब कारण जो है वो इसके हो सकते हैं, तो इसको लिख लो, इग्निशन टाइमिंग टू फार एडवांस्ड, ठीक है जी प्रवीण जी, थैंक यू सो मच बेटा, चीजें तो बहुत सारी है यार, बहुत सारी है करने वाली बहुत सारी चीजें हैं, इंजीनियरिंग ही इंटरेस्टिंग ही इतनी है, इंजीनियरिंग इंटरेस्टिंग ही इतनी है कि उसमें कुछ भी करवाया जा सकता है, तो ये आई होप ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है, प्री इग्निशन क्रिएट्स एक्सेसिव हीट एंड सब्सटेंशियल डैमेज टू द पिस्टन बेयरिंग स्पार्क प्लग एंड सिलेंडर, ये सबको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सबको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये सबको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो हमारे लिए ये फायदे वाली नहीं है जी, ठीक है, ये फायदे वाली चीज नहीं है, डैमेज करेगा, ये डैमेज करेगा, ठीक है, इस प्री इग्निशन बैड 100% बैड है, ठीक है लेकिन काफी चीजों में हम देखते हैं इसको, प्री इग्निशन मे और मे नॉट कॉज परमानेंट इंजन डैमेज, तो परमानेंट हो ना हो तो 100% गारंटी नहीं, बट इट डज नॉट लीड टू द इंजन इनएफिशिएंसी एंड मे कॉज इंजन डैमेज इफ इट इज सीवियर और कंटिन्यूस इवेंट, बार बार होता रहेगा प्री इग्निशन तो प्रॉब्लम क्रिएट होती ही होती है, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट होती ही होती है,
ओके, दिस प्रॉब्लम इज रेयर इन डीजल इंजन एंड इज मॉडर्न एंड इन मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम. तो इंजेक्टर में ये प्रॉब्लम प्री इग्निशन की नहीं आती है, लेकिन डेटोनेशन वाली प्रॉब्लम हो सकती है. लेकिन हमारे पास अगर बात करें प्री इग्निशन की, तो प्री इग्निशन की हमारी SI इंजन में होती है, CI इंजन में नहीं होती है. CI इंजन में नहीं होती है. ठीक है सर, ये एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. ये हाल देखो पिस्टन का, ये हाल देखो पिस्टन का, ये हाल देखो. ये सब जो है रीजन क्या है, रीजन है हमारे पास प्री इग्निशन. ये सब रीजन प्री इग्निशन है. तो इसमें भी आप देखोगे तो नॉर्मल कम्बस्टन वही है, सेम एग्जांपल है. एक्सप्लोजन होता है प्री इग्निशन के कारण, ये हाल होता है आपका. ठीक है, इन इन द कॉज ऑफ हाईली सुपरचार्ज्ड और हाई कंप्रेशन मल्टी सिलेंडर इंजन प्री इग्निशन कैन क्विकली मेल्ट और बर्न पिस्टन. तो कहता है कि अगर आपके पास सुपरचार्ज्ड इंजन है, सुपरचार्जिंग करते हैं ना, सुपरचार्ज्ड इंजन है या हाईली कंप्रेशन वाले मल्टी सिलेंडर है, तो इसमें प्री इग्निशन तो भाई बर्न कर सकता है पिस्टन को, पिस्टन को बर्न तक कर सकता है. तो नहीं होना चाहिए भाई, बर्न नहीं होना चाहिए. ठीक है, बर्न नहीं होना चाहिए. ठीक है सर, बर्न नहीं होना चाहिए. ओके, तो हमारे पास इट हैपेंस बिफोर स्पार्क इग्निशन. ठीक है, इट ओ सॉरी, इनमें डिफरेंस है तो डिफरेंस लिख लो बेटा. प्री इग्निशन और डेटोनेशन या नॉकिंग में डिफरेंस लिख लो, इसको डिफरेंस लिख लो. ठीक है, इसके डिफरेंस लिख लो, थोड़ा सा चीजें काफी है बेटा कराने के लिए. तो इट हैपेंस बिफोर स्पार्क इग्निशन, इट हैपेंस आफ्टर स्पार्क इग्निशन. तो ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है. इट कैन डैमेज इंजन वेरी फास्ट, ये डैमेज कर सकता है. इट अकर्स समथिंग समटाइम्स स्लोली एंड इंजन रन्स विद द दिस फॉर समटाइम्स. तो हमारे पास ये स्लोली होता है लेकिन ये वेरी फास्ट होता है. ठीक है, इट हैपेंस मोस्टली एन SI इंजन, ये SI इंजन में होता है और ये SI और CI दोनों में होता है. डेटोनेशन जो है वो दोनों में हो सकता है, प्री इग्निशन जो है सिर्फ SI इंजन में होता है. इट कैन हैपेंस ड्यू टू कार्बन डिपॉजिट इन एंड स्पार्क प्लग टाइटनिंग्स, इट हैपेंस ड्यू टू द हाई कंप्रेशन रेशियो. तो इसको लिख लो बेटा, डिफरेंस बहुत ही मेन है, बहुत ही मेन मेन बातें हैं बेटा, मेन मेन बातें हैं. बहुत ज्यादा भी नहीं लिखवा रहा आपको, बहुत कम भी नहीं लिखवा रहा, इसको लिख लो. ठीक है, इसको लिख लो, मैं पानी पी लूं तब तक आप लिख लो, और जब लिखने को कहा जाए तो लिखा करो. ओके, जब आपको लिखने का कहा जाए तो लिखा जरूर करा करो. ठीक है, ये पॉइंट मेन है, मेन मेन पॉइंट है. अभी आपको ना स्क्रीनशॉट की इजाजत नहीं है, आप तो इतने नहीं तो वो बन जाओ कि छोड़ो यार लिखना क्या है, बस स्क्रीनशॉट लेते रहो. ठीक है, तो ये हमारा एंड हो चुका है इस तरह से, और इसमें ये वाले टॉपिक भी हमारा हो चुका है, इसमें ये भी टॉपिक हमारा हो चुका है. अब हम बातें करें, और बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, और इसको बड़े ही ध्यान से करना. ठीक है, बड़े ही ध्यान से करना. मैंने थोड़ा सा कोशिश की है चीज को आसान बनाने की, चीजों को आसान बनाने की कोशिश की है. तो उस चीजों को आसान जिसको बनाया तो वो लिख लीजिए हम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, हाउ टू रिड्यूस डेटोनेशन, डेटोनेशन को कम कैसे किया जाए, डेटोनेशन या नॉकिंग को कैसे कम किया जाए. ठीक है, नॉकिंग को कैसे कम किया जाए, लिख लो इसको. ये बेटा हम जब करेंगे ना इसमें, तो मेन पॉइंट क्या है वो देखिए आप, हाउ टू रिड्यूस डेटोनेशन और लॉकिंग. ठीक है, और इसमें जो पॉइंट है वो आप लिख लीजिए इसको. ठीक है, इसमें लिख लो बेटा. सबसे पहले हमारे पास जो मेन पॉइंट्स है वो इस साइड लिखेंगे, इसमें SI में यहां पे लिखेंगे SI में क्या होना चाहिए और CI में क्या होना चाहिए, CI में क्या होना चाहिए हमारे पास. ठीक है, तो पॉइंट्स जो है वो उसको बड़े ही ध्यान से आप नोट कर लो. मैं एक कहानी के तौर पे आपको दिखाऊंगा, कहानी के तौर पे, क्योंकि ये ना जैसे एक कहानी सी बनानी पड़ेगी आपको, उसके हिसाब से आपको आगे चलना पड़ेगा. ठीक है, मान लीजिए, मान लीजिए आप एक इंजन लेके आते हो.
आप एक इंजन लेके आते हो, आपको आप मुझे कहते हो सर मैं इंजन लाना चाहता हूँ, आप मुझे कहते हो, मेरे पास आए और मुझे कहा सर मैं एक इंजन लाना चाहता हूँ लेकिन उसमें डेटोनेशन ना हो तो मैं क्या करूं, आप मुझे मेरे पास आए, ठीक है, तो ये एक इंजन है मान लेते हैं, हम एक इंजन इस तरह से बना लेते हैं और इसको समझेंगे, आप ले जाए तो मैं कहूंगा बेटा सबसे पहली बात नोट कर ले, इंजन जितना छोटा होगा उतना आप फायदे में रहोगे, उतना डेटोनेशन कम होगा, आप लेने गए इंजन, ठीक है, आप इंजन लेने चले गए और आपने पूछा कि कौन सा लाऊं, तो मैंने बोला चाहे SI लेके आ चाहे CI लेके आ, कंप्रेशन वाला लेके आ, ठीक है, कंप्रेशन इग्निशन वाला या स्पार्क इग्निशन वाला, लेकिन जो इंजन का साइज है वो स्मॉल ही होना चाहिए दोनों में, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, दोनों स्मॉल होंगे तो डेटोनेशन कम होगी, दोनों क्या होंगे स्मॉल होंगे तो डेटोनेशन कम होगी, बात थोड़ी समझ आई, बात समझ आई, कहानी को समझना, ठीक है, कहानी को समझना, जैसे जैसे लिखवा रहा हूं मैं इस लाइनों को ऐसे ही लिखते रहना, कहता सर ठीक है सर मैंने ना लाया हूं इंजन, इंजन मैं स्मॉल ले आया हूं, ठीक है, इंजन को मैं ले आया हूं स्मॉल ले आया हूं, अब मैं मुझे बताओ सर फ्यूल कौन सा डलवाऊं इसमें, फ्यूल कौन सा डलवाऊं, अब मैं आपको बोलता हूं बेटा देख बात सुन, एक ना ये कलर थोड़ा सा इसको ये कलर ना मैं दूसरा कर देता हूं ताकि आपको डिफरेंस पता लगता रहे कि डिफरेंस क्या है इन दोनों में, ठीक है, तो इंजन साइज यहाँ पे इंजन साइज, इंजन साइज, तो आप कहते हो सर मैं इसमें फ्यूल कौन सा डलवाऊं, तो फ्यूल मैं कौन सा डलवाऊं, फ्यूल, तो मैं कहता हूं भाई चाहे तो CI में डलवा चाहे SI में डलवा, लेकिन डलवाना जिसका SI वाला ऑक्टेन नंबर ज्यादा हो और इसका सीटेन नंबर ज्यादा हो, ये ऑक्टेन और सीटेन में आपको समझाने वाला हूं, सो डोंट वरी, हाई ऑक्टेन नंबर वाला डलवाना इसमें, अगर आपका पेट्रोल इंजन लेके आओगे तो हाई ऑक्टेन वाला डलवाना, और अगर CI वाला लेके आओगे तो हाई सीटेन नंबर वाला डलवाना इसके अंदर पे सीटेन, ठीक है, ये वाला डलवाना, मैं ये कहानी की तौर पे आपको बता रहा हूं, ठीक है, तो आपको फ्यूल कौन सा डालना है इस तरह का, अगर आपने क्या करना है डेटोनेशन या नॉकिंग को कम करना है, और इसके ऊपर बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, अब आपने लाए सर मैं ले आया फ्यूल ले आया मैं इंजन भी ले आया, अब बताओ, अब आप कहते हो सर मैं आपको कहता हूं देखो अगर आपको इसमें नॉकिंग और डेटोनेशन कम करनी है तो आपका जो इनलेट का टेम्परेचर है, इनलेट का टेम्परेचर का मतलब क्या है, जो आप इंजन के अंदर एयर डालोगे, यहां पे इंजन के अंदर एयर डालोगे ना बेटा, यहां से एयर अंदर आएगी, इनलेट का टेम्परेचर, ठीक है, इन स्पेलिंग ही गलत बताता हूं बेटा मैं, ठीक है, इनलेट का टेम्परेचर और प्रेशर, ये बड़ी मेन बात है, कहता है ये बहुत मेन बात है कि आपके पास इनलेट का टेम्परेचर कितना होना चाहिए और प्रेशर कितना होना चाहिए, ठीक है, तो हमारे पास इसमें, ठीक है, इनलेट का टेम्परेचर और प्रेशर SI में मैं कहता हूं कि लो होना चाहिए, ठीक है, SI में हमारे पास लो होना चाहिए, ठीक है, SI में हमारे पास लो होना चाहिए और इसमें हमारे पास हाई होना चाहिए, तब हमारे पास क्या होगा इसका जो नॉकिंग है टेंडेंसी वो कम होगी, तो इसको लिख लो इनलेट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये लो होना चाहिए इसमें हाई होना चाहिए तब आपकी नॉकिंग टेंडेंसी जो होगी वो कम होगी, ठीक है, नॉकिंग टेंडेंसी जो होगी वो कम होगी, ये हो गया इनलेट पे पहुंच गए, इसके बाद आप कहते हो सर मैंने अब इसके अंदर फ्यूल डाल दिया अब क्या करूं, अब करूं क्या करें, कंप्रेस करने का मतलब कंप्रेशन रेशियो कितनी रखूं, कंप्रेशन रेशियो कैसे रखूं कि डेटोनेशन ना हो, तो मैं कहता हूं कंप्रेशन रेशियो, अच्छा एक बात सुन, कंप्रेशन रेशियो जो है आपको मैंने समझाया था SI इंजन में मतलब पेट्रोल इंजन में जितनी ज्यादा कंप्रेशन रेशियो करते जाओगे ना नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ती है, तो कम से कम रखो इसमें, ठीक है, जितनी कम कर सकते हो कंप्रेशन रेशियो लो रखो इसके अंदर, तो कंप्रेशन रेशियो लो रखो और इसके अंदर हाई रखो, इसके अंदर हाई कंप्रेशन रेशियो हमें भी पता है कि
कि डीजल इंजन जो होते हैं या सीआई, अगर आपको ये नहीं समझ आता ना, यहाँ पे ऐसे लिख दो पेट्रोल, पेट्रोल इंजन, और ये लिख दो डीजल इंजन, इसको लिख दो डीजल इंजन। कहानी के तौर पे बता रहा हूं, कहानी के तौर पे। तो हमारे पास पेट्रोल है जो, वो बेटा जितना ज्यादा कंप्रेस करोगे तो इसमें प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी? मैंने आपको बताया सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है बेटा। अगर वो, अगर ज्यादा कंप्रेस कर दोगे, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, वो अपने आप इग्नाइट कर जाएगा। तो अपने आप अगर इग्नाइट करा तो भाई साहब प्रॉब्लम है। लेकिन यहां तो हम चाहते हैं कि वो अपने आप इग्नाइट करे, क्योंकि हमने तो छिड़काव करना है डीजल का, हमने सिर्फ छिड़काव करना है डीजल का, तो हम तो ये चाहते हैं कि ये करे। ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर हम रखे और उसमें कंप्रेशन रेशो हाई रखे, क्यों? ताकि ये जल्दी से जल्दी अपने आप प्री इग्नाइट जो है अभी इग्निशन हो जाए इसकी। ये हम चाहते हैं, ये सब चीजें हम चाहते हैं। तो हमें ये समझना होगा, ये चीज समझनी होगी। आई हो गया, ये हो गया। इसके बाद हम कहते हैं कि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, तो ये मैंने पहले भी आपको समझा दिया था, ठीक है। तो एसआई में क्या है, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर की बातें हमने, ठीक है, सेल्फ इग्निशन, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। तो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर मैंने आपको बोला था कि हमारे पास सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो है वो किस तरह का होना चाहिए। तो हमारे पास जो है एसआई में हम क्या चाहते हैं, हम अपने आप वो बर्न ना कर जाए। तो हमारे पास अगर वो बर्न कर जाएगा, मतलब समझो ये चीज समझना, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होना चाहिए, इसमें ज्यादा होना चाहिए। तो ज्यादा मतलब वो अपन जल्दी ना पकड़ ले आग को, तो इसमें हाई होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, हाई, और इसमें लो होना चाहिए, ठीक है, लो होना चाहिए। हाई होगा तो ये जल्दी अपने आप इग्नाइट नहीं करेगा, लो होगा तो जल्दी इग्नाइट कर जाएगा, अपने आप जल्दी इग्नाइट कर लेगा। हम ये चाहते हैं इसमें जो रिक्वायरमेंट है, जब आपको समझ आ गया कि इसकी सीआई की रिक्वायरमेंट है कि अपने आप इग्नाइट हो जाए और इसकी हम चाहते हैं ना हो, तो अपने आप दिमाग चलेगा आपका, अपने आप दिमाग चलेगा, ठीक है। तो हमारे देखो बात समझ आएगी कैसे हुआ, पहले इंजन खरीदा, फिर उसके अंदर हमने क्या डाला, फ्यूल डाला, फिर हमने देखा इनलेट टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना होना चाहिए, कंप्रेशन किया, कंप्रेशन के बाद देखा फ्यूल बर्न हो रहा है अपने आप को, नहीं हो रहा, ठीक है, अपने आप बर्न हो रहा है या नहीं हो रहा। तो एक 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 सीरीज बनेगी बातों की, एक सीरीज बनेगी बातों की, ठीक है ये। और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा स्पीड, तो स्पीड कितनी रखें, स्पीड कितने, अब इंजन तो चल पड़ा, इंजन तो चल पड़ा, तो भाई साहब इसमें जो स्पीड की बातें करें, तो हमारे पास जो है हाई स्पीड रहनी चाहिए, हाई स्पीड रहनी चाहिए इसमें अंदर सीआई के, एसआई के अंदर। ज्यादा स्पीड होगी, ज्यादा स्पीड होगी तो डेटोनेशन कम होगी इसमें, किसमें, पेट्रोल वाले में, और इसमें लो होनी चाहिए स्पीड, स्पीड लो होनी चाहिए, तब वो डेटोनेट कम करेगा, तब वो क्या करेगा, डेटोनेट कम करेगा। तो इसको लिख लो, तो डेटोनेट वो कम करेगा, ओके। एंड लास्ट रह गया सुपर चार्जिंग, सुपर चार्जिंग। और आपको मैंने बोला कि हमारे पास भाई साहब पेट्रोल वाले में तो पंगे लो ही ना, पेट्रोल वाले में कहते पंगे ना ही लो, सुपर चार्जिंग करोगे, सुपर चार्जिंग मतलब हाई कंप्रेशन वाली एयर जो है वो उसको दोगे तो वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इसलिए इसमें नो, तो इसमें हम नहीं चाहते कि हमारे पास जो है सुपर चार्जिंग हो, तो इसमें नो, इसमें नो कर दो, ना सुपर चार्जिंग नहीं चाहिए, इसमें ना हो सुपर चार्जिंग तो डेटोनेशन नहीं होगी, इसमें अगर आप कर दो डाल दोगे तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें आप सुपर चार्जिंग कर सकते हो, तो आप इसमें सुपर चार्जिंग हो कर सकते हो। आई होप ये चीज आपने लिख लिया होगा, ये चीज आपने लिख लिया होगा, ये कहानी आप समझ लो, ठीक है, इस तरह से कहानी जो है वो चलेगी, ठीक है, वो चलेगी। प्लीज इसको नोट कर लो बेटा, इसको नोट कर लो, लिख लिया होगा, यस या नो लिख लिया, लिख लिया बेटा।
टर्बो चार्जर बेटा देखो सुपर चार्जिंग जैसा ही होता है टर्बो चार्जर, सो डिफरेंस नहीं है, तो आपको सुपर चार्जिंग ही पूछा जाता है, सुपर चार्जिंग टर्बो, टर्बो बस ये है कि टर्बाइन से चलता है इसलिए टर्बो चार्जर बोल देते हैं, बात वही है, मतलब एयर जो है कंप्रेस करके देनी है या नहीं देनी, इसमें मत दो, इसमें दे दो कोई बात नहीं, इसमें दे दो, डेटोनेशन कम आप कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास ऑक्टेन नंबर क्या है, यहां पे आ जाओ बेटा, ऑक्टेन नंबर क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और कोई मुझे ये इसके बारे में बता दे, ठीक है। आई वॉन्ट टू एक्टिवेट ओवर इंटरनेट, बाद में रेक करेंगे यार तेरे, ठीक है। ये देखो ऑक्टेन नंबर मेरे बच्चे, ऑक्टेन नंबर, अब ऑक्टेन नंबर आप देखोगे ना मेरे बच्चे, आप फ्यूल भरवाने जब जाते हो तो आपको ना अलग अलग लिखा मिलेगा, ठीक है, अलग अलग लिखा मिलेगा, तो वो क्या लिखा मिलेगा, वो लिखा होगा स्पीड है, पावर है, एक्स्ट्रा प्रीमियम है, ये लिखा देखा आपने कभी, देखो स्पीड पावर एक्स्ट्रा प्रीमियम ये क्या है, ये सिर्फ इसकी क्वालिटी है कि इसके अंदर ऑक्टेन नंबर कितना है, जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर बढ़ाओगे उतना ज्यादा उसकी क्वालिटी अच्छी होती जाएगी फ्यूल की, वो डेटोनेट नहीं करेगा जितनी ज्यादा ऑक्टेन नंबर डालोगे। लेकिन हम क्या करें, देखो ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए मतलब आपने अच्छा फ्यूल बनाना है तो उसके लिए लगता है भाई साहब पैसा, उसके लिए क्या लगता है, पैसा लगता है। लेकिन हम पहले ही मुश्किल से तेल भरवा रहे हैं, पहले ही 100 रुपए लीटर हो रखा है, मान लीजिए 100 रुपए लीटर हो रखा है आम सा फ्यूल, सिंपल वाला फ्यूल, और एक्स्ट्रा प्रीमियम वो कहता है कि 110 रुपए का है, 110 रुपए, आप कहते हो छोड़ यार हमने क्या करना है, ठीक है ये डलवा ले सिंपल वाला, हमने क्या करना है इसका, ठीक है पहले ही हमें इतनी टेंशन है पहले पैसे की, तो ऑक्टेन नंबर बढ़ेगा तो पैसे भी बढ़ेंगे, पैसे बढ़ेंगे। अब हम बात करें तो पहले की बात करें तो डिमांड फॉर मोर पावरफुल इंजन, पहले जो हमारे पास इंजन बने ना हमारे पास पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ी, पावर बढ़ाओ। अब पावर अगर बढ़ानी है तो हमने इवन 16 सिलेंडर वाला इंजन भी बना दिया, कि इंजन बढ़ाओ, बड़े कर दो, इंजन ज्यादा लगा दो, ठीक है। लेकिन हमारे पास अगर बात करें तो ये हो गया, ठीक है डिमांड वाली बात आ गई, तो हमारे पास जब बात करें तो इंजन बहुत बड़े बड़े बनाने लगे, ठीक है। लेकिन मेकिंग मोर बिग इंजन इज नॉट प्रैक्टिकल, ज्यादा से ज्यादा बड़े इंजन बनाना प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल बात नहीं है। प्रैक्टिकल मेथड क्या है, इंक्रीज कंप्रेशन रेशियो, हम कंप्रेशन रेशियो बढ़ा दें तो भी हमारे पास जो है एफिशिएंसी बढ़ सकती है। लेकिन हमारे पास क्या होता है आपको भी पता है, जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं कंप्रेशन रेशियो तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, द मोर मिक्सचर इज कंप्रेस्ड बिफोर इग्निशन द मोर पावर ऑफ द इंजन कैन डिलीवर, मतलब आप जितना कंप्रेशन ज्यादा करोगे फायदा मिलता है, ठीक है फायदा मिलता है, लेकिन ये प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम होती कंप्रेशन रेशियो के साथ क्या, इट विल लीड टू नॉकिंग एंड डेटोनेशन, और इसके कारण क्या होगा, डेटोनेशन या नॉकिंग हमारे पास होगी, नॉकिंग हमारे पास होगी। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है इंप्रूव करो फ्यूल को, फ्यूल को इंप्रूव करो। फ्यूल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो फ्यूल को इंप्रूव करने के लिए इन्होंने दिमाग लगाया, किन्होंने दिमाग लगाया, देखो 20th सेंचुरी में ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग वाज सर्चिंग फॉर द केमिकल दैट वुड रिड्यूस द इंजन नॉक, तो केमिकल ढूंढ रहे थे, ठीक है। इन 1921 जनरल मोटर डिस्कवर्ड दैट टेट्रा इथाइल लेड, देखो इसको लिख लो, ठीक है टेट्रा इथाइल लेड, जिसको हम बोलते हैं TEL, टेट्रा इथाइल लेड, ठीक है इसका नाम याद कर लो टेट्रा इथाइल लेड, ये एक सब्सटेंस आया, अगर हम पेट्रोल इसमें डाले तो ये नॉकिंग को कम करता है, प्रिवेंटिंग इंजन नॉक, इंजन नॉकिंग को कम करता है। लेड प्रेफर्ड ड्यू टू इट्स लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट, इसको हमने लिया कि प्रोडक्शन कॉस्ट कम है इसकी, ये डाल दो। In 1970, Environmental Protection Agency EPA, because of proven serious health impacts, तो इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने बैन कर दिया इसके ऊपर, TEL के ऊपर। क्यों? इसके अंदर क्या है? लेड। इसके अंदर क्या है? लेड। लेड मतलब सीसा, हिंदी में बोलते हैं ना बेटा इसको, आपको अगर आपने सुना हो इसके बारे में तो इसको सीसा बोल देते हैं, सीसा।
तो बहुत ज्यादा पुरानी बातें नहीं है, ठीक है। हम जब छोटे थे हमने तो देखा है ये चीज। तो वहां लिखा होता था सीसा रहित तेल, सीसा रहित तेल मतलब लेड फ्री ऑयल। लेड फ्री ऑयल हम बोल देते हैं कि लेड फ्री ऑयल है, तो लेड फ्री ऑयल का मतलब क्या है, उसके अंदर लेड नहीं था। TEL डालना बंद कर दिया था 1970 के अंदर, 1970 के अंदर। तो इन्होंने नया लाया, नया क्या लाया, आइसो ऑक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन, इन दोनों को ऐड करके पेट्रोल के अंदर डालना स्टार्ट कर दिया। इन दोनों को ऐड करके पेट्रोल के अंदर डालना स्टार्ट कर दिया। जितनी ज्यादा मात्रा आप इसकी डालोगे, ठीक है, जितनी ज्यादा मात्रा आप इसकी डालोगे आइसोक्टेन की, उतना ज्यादा ऑक्टेन नंबर बढ़ता जाएगा। आप इसकी मात्रा बढ़ाओगे, ऑक्टेन नंबर बढ़ेगा, ऑक्टेन नंबर विल इंक्रीज, विल इंक्रीज। तो हम इसकी मात्रा बढ़ाते रहेंगे, इसकी मात्रा बढ़ाते रहो, लेकिन इसकी मात्रा बढ़ाने के लिए पैसा लगता है बेटा, ऐसे नहीं बढ़ता, इसके लिए पैसा लगता है। तो यही हमारे पास है, क्या नाम याद कर लो, ऑक्टेन नंबर के लिए आइसो ऑक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन, नॉर्मल हेप्टेन, ठीक है। अ फिगर इंडिकेटिंग द एंटी नॉक प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्यूल बेस्ड ऑन द कंपैरिजन विद द मिक्सचर ऑफ आइसो ऑक्टेन एंड हेप्टेन। तो हम इन दोनों के मिक्सचर को हम देखते हैं, ठीक है, इन दोनों के मिक्सचर को हम देखते हैं कितना है, उसके हिसाब से ऑक्टेन नंबर डालते हैं। हमारे पास देखो, हमारे पास मान लीजिए ऑक्टेन नंबर 100 है, हम कहते हैं कि ऑक्टेन नंबर नंबर 100 है, ऑक्टेन नंबर 100 है, तो इसका मतलब है उसमें आइसो ऑक्टेन 100 है और नॉर्मल हेप्टेन 0 है। नॉर्मल हेप्टेन क्या है, उसके अंदर 0 है, इसको लिख लो। अगर ऑक्टेन नंबर 100 है, इट मींस इसके अंदर आइसो ऑक्टेन 100 है और नॉर्मल हेप्टेन हमने नहीं डाला, नॉर्मल हेप्टेन हमने नहीं डाला। लेकिन अगर हमारे पास 80 आ गया नंबर, नंबर 80 आ गया, तो मतलब 80% आइसो ऑक्टेन है और 20% एन हेप्टेन है, और मतलब जितना ये डालते जाओगे उतना फायदा मिलता जाएगा, जितना ये डालते जाओगे उतना कम फायदा मिलेगा, हमें नुकसान है, इसका फायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन इन दोनों का मिक्सचर हमें डालना पड़ता है, लेकिन ये डालते जाओगे तो खर्चा बढ़ता जाएगा, खर्चा बढ़ता जाएगा। तो इसलिए ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा बढ़ता है उतना ज्यादा फ्यूल का प्राइस बढ़ता है, फ्यूल का प्राइस बढ़ता है। और उसका फिर नाम रख ले, अब ये तो कह नहीं सकते कि भाई ऑक्टेन नंबर 100 वाला फ्यूल डाल दे, अब भाई ऑक्टेन नंबर ही नहीं आम जनता को पता, तो वो क्या कहेगा। अगर मान लो वहां पे लिख दें पेट्रोल पे ऑक्टेन नंबर 100 वाला फ्यूल डलवाए, वो कहे भाई ये क्या आ गया नया चीज, तेल तो आता था, ये ऑक्टेन कौन सा आ गया। और इवन हम जो लोकल लैंग्वेज ना, ऑक्टेन को टेन टेन बोलना शुरू कर देंगे, ये हाल है हमारा, हम ऑक्टेन नहीं बोलेगा, अरे टेन नंबर 100 वाला डाल देंगे, टेन कौन सा, और टेन टून वो बोलते हैं ना जो टेन, हम उनको कहाँ कहाँ समझाए सबको, इसलिए कोई नहीं बोलता, इसको बोल देते हैं ऑक्टेन नंबर 100 वाला, जो अच्छे वाले फ्यूल आते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम बोल देने के, उसका नाम रख दिया एक्स्ट्रा प्रीमियम, ठीक है, नाम रख दिया, अच्छा नाम रख दिया थोड़ा सा, ताकि नाम जनता को याद हो जाए, ठीक है, नाम जनता को याद है। 30% है ये, 70% है, तो ऑक्टेन नंबर 30 बन गया, ऑक्टेन नंबर 30 बढ़ गया, ठीक है। आगे, मोस्ट ऑफ द रेगुलर व्हीकल्स आर डिजाइन टू रन एट 87 ऑक्टेन नंबर फ्यूल, ठीक है, बट परफॉर्मेंस व्हीकल सच एज दोज दैट यूज टर्बो चार्जिंग एंड सुपर चार्जिंग टू फोर्स मोर एयर इन टू द इंजन माइट रिक्वायर हायर ऑक्टेन नंबर। तो हमारे पास कहता है कि अगर हम तो आम जो है 87 वाला यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अच्छा वाला कोई इंजन है जिसके अंदर सुपर चार्जिंग कर रखी है, वहां पे हम हायर ऑक्टेन फ्यूल भी हम यूज करते हैं, वहां पे हम हायर ऑक्टेन नंबर भी हम यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखो ये अलग अलग कहीं की पिक्चर लाई हूं, लाया हूं मैं, ठीक है, और रेगुलर है तो 87 है, रेसिंग वाला है 94 वाला, अल्ट्रा सुप्रीम है 96 वाला, एक्स्ट्रा प्रेस सुप्रीम है 98 वाला, और इसको क्या है टॉर्को, ये नाम रखा है, रेस फ्यूल रखा है, इसका 100 है, इसका 100 है, इसका 100 है, ठीक है। एक मिनट होल्ड करना बच्चे, एक मिनट,
हमारे पास ऑक्टेन नंबर की ये एक्स्ट्रा प्रीमियम जो तेल है तो हम उसमें देते हैं 100 ऑक्टेन प्रीमियम, ये लिखा होता है एक्सपी 100 लिखा हुआ है। एक्सपी 100 का मतलब कि इसका जो ऑक्टेन नंबर है वो 100 है, एक्सपी 100। तो ये इस तरह से इंडिया में हम यूज करते हैं, ये यूज करते हैं, ठीक है बेटा, तो ये यूज करते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी, समझ आ गई बच्चे, समझ आ गई, ठीक है। तो हम कल करते हैं बाकी सारी चीजें, और अभी 12:30 जो है सर का लेक्चर है, नॉन टेक्निकल सर जो है, तो नॉन टेक्निकल पढ़ाएंगे आपको, वो जरूर अटेंड करें बच्चे, और जल्दी से जल्दी हम दोबारा मिलते हैं, ठीक है सर। ओके सर जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।